ओके चैप्टर 25 अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट एनिमल, एनिमल्स के अमेजिंग फैक्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट इज यू कैन होल्ड अ न्यू बॉर्न चाइनीज वाटर डियर इन योर पाल्म, ठीक है. यहाँ पर लिख रहे हैं कि जो चाइनीज वाटर डियर होता है जो आपको दिख रहा है, इसके जो बेबी होते हैं न्यू बॉर्न, मतलब तुरंत अभी अभी जो हुए जो बेबी होते हैं बिल्कुल, उनको आप अपने पाल्म पे अपने हथेली पर क्या कर सकते हो, पकड़ सकते हो. लाइक वो इतने क्या होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट वन इज 70% ऑफ अवर DNA इज शेयर्ड विद स्लग्स, ठीक है. स्लग्स एनिमल्स, कुछ एनिमल्स होते हैं उनको बोला गया, तो उनसे हमारा DNA 70% क्या होता है, शेयर्ड होता है, मतलब मैच होता है. जैसे आप सभी को पता है कि हमारा जो ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी होता है इंसानों का, वो चिंपैंजीज से 98% क्या होता है, मैच होता है, वैसे स्लग से भी क्या होता है 70% जो DNA है वो शेयर्ड करता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट वन इज अ मोल कैन डिग अ टनल ऑफ 350 meters इन जस्ट वन नाइट. ये मोल है बेटा, ठीक है, एक एनिमल क्रिएचर है, एनिमल है, ठीक है, जो क्या करता है, यहाँ पर बोल रहा है कि वो एक रात में, जस्ट वन नाइट, वो 350 meters गहरा एक टनल मतलब सुरंग क्या कर सकता है, डिग खोल सकता है मिट्टी के अंदर, 350 meters क्या कर सकता है एक ही रात में, ठीक है. ये इतना ज़्यादा क्या होता है, फास्ट होता है कि एक टनल बना सकता है. नेक्स्ट इज द फास्टेस्ट क्रिएचर ऑन प्लानट इज पेरेग्रीन फैल्कन, ठीक है. ये जो आपको पेरेग्रीन फैल्कन दिख रहा है, ये पूरे मतलब लाइक प्लानट का, ठीक है, पूरे प्लानट का सबसे फास्टेस्ट सबसे तेज क्रिएचर है, जो क्या है 200 kilometers पर आवर, ठीक है, मतलब एक घंटे में ये 200 kilometers क्या कर सकता है, तेजी से डाइव कर सकता है. नेक्स्ट इज ऑन एन, ठीक है, एवरेज हाउस फ्लाई स्लीप फॉर two to three weeks ओनली. आप सभी को पता है कि जो हाउस फ्लाई होती हैं उनका जो लाइफ स्पैन होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, तो यहाँ पर वही बता रहा है कि एवरेज कितना मिनिमम मतलब कितना जीती हैं, 2 to 3 weeks क्या होता है इनका लाइक लाइफ स्पैन होता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज हॉर्स एंड काउस कैन स्लीप वाइल स्टैंडिंग अप. आप लोग देखे होंगे कई बार जो हॉर्स होते हैं, यहाँ पर वही बोल रहे हैं कि जो हॉर्स होते हैं एंड जो काउज होती हैं, गाय होती हैं, वो खड़े खड़े भी क्या कर सकती हैं, सो सकती हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज डॉग्स नोज प्रिंट्स आर एज यूनिक एज ह्यूमन फिंगर प्रिंट्स, दे कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक है. आप सभी को पता है कि हम इंसानों के जो फिंगर प्रिंट्स मतलब जैसे थंब का इंप्रेशन वगैरह डिफरेंट होता है सारे ह्यूमन बींग्स का, वैसे ही जो डॉग होते हैं इनके जो नोज़ का, इनके नाक को अगर आप देखोगे, इनमें भी क्या होती है, एक छाप होती है, ठीक है, एक प्रिंट होता है, तो इनका भी क्या होता है, अलग अलग होता है इनको पहचानने के लिए. लाइक जैसे हमारे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, जैसे थंब इंप्रेशन या जो भी फिंगरप्रिंट वगैरह होता है वो अलग अलग होता है ना, वैसे ही डॉग्स के नोज़ का जो प्रिंट होता है ना वो क्या होता है, नोज प्रिंट, वो सब अलग अलग होता है. नेक्स्ट इज टेरेंटोला कैन लीव फॉर 2 years विदाउट ईटिंग एनीथिंग, ठीक है. टेरेंटोला स्पाइडर का नेम है, जो 2 साल बिना विदाउट ईटिंग एनीथिंग, बिना कुछ खाना मतलब बिना खाए क्या है, जिंदा रह सकता है. नेक्स्ट इज काउस फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट मू एक्सेंट, ठीक है. जैसे आप सभी को पता है कि जो लोग अलग अलग जगह रहते हैं, कोई, ठीक है, कोई साउथ के है, कोई ईस्ट का है, तो उनके बोलने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, आप सभी को पता है, ठीक है. जैसे साउथ इंडियन का अलग होता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया में जो रहने वाले रहते हैं, ठीक है, नॉर्थ में रहने वाले, सबका अलग अलग होता है. उसी तरीके से अगर आप गाय की बात करेंगे तो काऊ जो होते हैं, जो अलग अलग जगह पर रहने वाले होते हैं, उनके जो मुँह ऐसे आवाज़ें निकालते हैं ना मुँह, तो उनके मुंह के बोलने का तरीका भी क्या होता है, अलग होता है. मतलब हम बोलते हैं कि सारे काउस एक जैसे होते हैं, बट नहीं, ठीक है, जो अलग अलग, आप जैसे अलग किसी अलग जगह का काउ देखोगे, अलग रीजन का देखोगे, तो उनके मुंह जो करते हैं, आवाज़ निकालते हैं, उनका एक्सेंट क्या होता है, मुंह निकालने की जो आवाज़ें होती हैं वो अलग होती हैं. नेक्स्ट इज शार्क्स ले द बिगेस्ट एग्स इन द वर्ल्ड, ठीक है. पूरी दुनिया में जो शार्क होता है वो सबसे बड़े अंडे क्या करता है, देता है. ओके, थैंक यू.